Are you able to see the presentation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Today we will finish this chapter and we will also take the numericals based on it. So today this chapter will be finished. So very small part is remaining from this chapter. So as a part of revision, I will tell you what we have seen in the last lecture. In the last lecture, we have seen the fringe width concept, definition of fringe width, formula for the fringe width. Then Newton's rings concept, we have seen how the Newton's rings are produced when the monochromatic light falls on the plano convex lens and plane glass plate. Due to the air film and the shape of the air film, circular rings are produced, and these rings are called as a Newton's rings. We have also seen the specifications or the characteristics or the features of these Newton's rings. What are the features of this Newton's ring that we have seen? Now, ये Newton's ring जो होता है, remember this, यहाँ पे हम देखेंगे experimental setup उसका. This is also good to understand, but not in theory. Theory में इसके ऊपर question नहीं पूछा जाएगा आपको, but understanding के लिए बहुत अच्छा है आपको ये. जब एक्चुअली न्यूटन्स रिंग्स कैसे बनाए जाते हैं, तो उसका जो सेटअप है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, तो देखो यहाँ पे. सो शुरू में ये न्यूटन्स रिंग्स अगर आपको ऑप्टेन करने हैं, तो आपके पास चाहिए एक प्लेन ग्लास प्लेट और उसके ऊपर होती है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और दोनों के बीच होती है एक एयर फिल्म. देन एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स जैसे कि सोडियम वेपर लैम्प यूज किया जाता है. देन ए लेंस यूज की जाती है अभी. उसके बाद लेंस का फंक्शन मैं बाद में बताऊंगा आपको. उसके बाद एक प्लेन ग्लास प्लेट यहाँ पे होती है. देन माइक्रोस्कोप होता है. ना वही हर जो पार्ट है उसका फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे अभी, और प्रोसेस हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो यहाँ पे पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट जो है लेंस के ऊपर जाती है. अभी लेंस का फंक्शन क्या है यहाँ पे? लेंस का फंक्शन ये होता है कि ये जो रेज आ रहे सोर्स से वो डाइवर्जिंग रेज होते हैं. वी वॉन्ट अ पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं. सो दैट वी गेट द पैरेलल मोनोक्रोमेटिक रेज लाइक दिस. अभी यहाँ पे एक ग्लास प्लेट होती है, एंड दिस ग्लास प्लेट इज इंक्लाइंड एट अ 45 डिग्रीज ऑफ एंगल टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अभी 45 डिग्रीज ही क्यों? क्योंकि हमें इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, ओके, डाउनवर्ड. आर यू गेटिंग दिस? सो ये जो है रेज आ रहे हैं, सो दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, एंड मीन्स हॉरिजॉन्टल जो एंगल है, the angle made by the glass plate with the horizontal direction is 45 degrees, and therefore automatically jo rays reflect honge wo automatically 90 degree se niche reflect honge. To wahi hame yahan pe chahiye, isliye wo angle jo hai 45 degrees hona zaruri hota hai. Okay, this simple glass plate hoti hai. So rays will get reflected from the glass plate, they will fall down on the air film, aur air film mein agar light monochromatic light agar girti hai to humne dekha ki wahan pe kya hota hai, wahan pe interference hota hai aur aapko जो है एक पैटर्न मिलता है न्यूटन्स रिंग का पैटर्न. अभी उसके ऊपर जब लाइट गिरती है सोडियम सॉरी एयर फिल्म के ऊपर जब लाइट गिरती है, तो वहां से जो है एक रे अगर उसके ऊपर गिरता है तो आपको दो रे मिलते हैं. 1000 गिरेंगे तो 2000 मिलेंगे. इस तरह से जो रेज रिफ्लेक्टेड रेज आते हैं, ओके, सो दे विल गो अपवर्ड. सो हियर आई हैव शोन द एरोस फॉर दिस. इफ यू सी क्लियरफुली, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन दिखा रहा है. अब ये जो रेज है जो कि रिफ्लेक्ट हो चुके हैं फ्रॉम द एयर फिल्म, दे अगेन गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्लास प्लेट. ओके, ये जो ग्लास प्लेट हमने रखी थी यहाँ पे 45 डिग्रीज एंगल वाली, तो उसी के थ्रू ये पास हो जाते हैं रेज, एंड दे रीच टू द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से हम यहाँ पे न्यूटन्स रिंग का पैटर्न देख सकते हैं. अभी माइक्रोस्कोप क्यों यूज करनी है? क्योंकि एक्चुअली ये जो रिंग्स होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. मतलब आप देखोगे अगर वो जो रिंग्स का पैटर्न है ना, वो अराउंड इतना होता है, ऐसा इतने में सब कुछ, वो सारे रिंग्स होते हैं इतने में, मतलब 20-50 रिंग्स होते हैं, तो ये बहुत क्लोज होते हैं, तो हम नेकेड आई से क्लियरली देख नहीं सकते उनको, इसीलिए यहाँ पर माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है. ओके, सो दिस इज द न्यूटन्स रिंग्स अरेंजमेंट, हाउ द न्यूटन्स रिंग्स सेटअप इज देयर. Now, after this, we will have to see here very important point here, application, engineering applications of interference. Now, interference chapter हम देख रहे थे, उसकी theory हमने complete theory देखी थी, like thin film interference, wedge shape film, Newton's rings, ये concept हमने देखे. Now, interference जो है वो कहाँ पे use किया जाता है? तो interference जो है वो बहुत सारी जगह पे use किया जाता है, जैसे कि engineering application of interference. So, ये exam के लिए बहुत important है आपको, इसके ऊपर question आपको पूछा जाएगा. So, accurate first application is accurate measurement of optical flatness, and second is anti-reflection coating. दो ही application है और बहुत छोटे हैं, simple है. तो देखेंगे अभी, पहला देखेंगे accurate
मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल फ्लैटनेस। सी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं वहां पे कि आपको एक ग्लास प्लेट या कुछ मटेरियल ऐसा होना चाहिए आपके पास जो कि परफेक्टली फ्लैट हो, और वो उसका जो फ्लैटनेस है वो कैसे चेक कर सकते हैं हम एक्यूरेटली? देखने से तो फ्लैट दिखता है लेकिन एक्चुअली वो एक्यूरेटली फ्लैट है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्टिकल मेथड हम यूज करते हैं जिसमें कि इंटरफेरेंस का कंसेप्ट यूज होता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो क्या करना होता है आपको कि यहाँ पे आपका एक नीचे स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन यानी कि जिसका ऊपर का सरफेस यहाँ पे हमें चेक करना है, ये वाला जो सरफेस है इसका जो फ्लैटनेस है वो चेक करना है, वेदर दिस सरफेस इज कर्व्ड और इरेग्युलर और फ्लैट, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। ओके, यहाँ पे ऐसे लेना है, देन उसके ऊपर एक ऑप्टिकल फ्लैट, ऑप्टिकल फ्लैट यानी कि एक स्टैंडर्ड फ्लैट ग्लास प्लेट होती है, वो आपको इस तरह से इंक्लाइन रखनी है यूजिंग सम स्पेसर हियर ऑन राइट हैंड साइड विच इज नॉट शोन इन द फिगर। तो आपको एक स्पेसर यहां पे रखकर एक ऊपर स्टैंडर्ड फ्लैट ग्लास प्लेट रखनी है। ओके, स्टैंडर्ड फ्लैट वो एक स्टैंडर्ड होती है। नाउ अब यहां पे जो ऊपर की स्टैंडर्ड फ्लैट ग्लास प्लेट है और नीचे की हमारा स्पेसिंग जो कि हमें चेक करना है, दोनों के बीच में क्या है अभी यहां पर? एयर। एयर, करेक्ट। सो दोनों के बीच है यहां पे एयर, तो यहां पे हमें मिल गई एयर की वेज शेप फिल्म। तो जैसे हमें एयर की वेज शेप फिल्म मिलती है, वी विल फॉल ए मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम टॉप साइड, एंड व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स फ्रॉम द सेम डायरेक्शन हियर एक्चुअली फ्रॉम द टॉप साइड इटसेल्फ वी विल सी द फ्रिंजेस। अभी वो जो फ्रिंजेस है वो हमें सिर्फ चेक करने हैं। सो फ्रिंजेस किस तरह के भी हो सकते हैं। सो फ्रिंजेस कैन बी लेट्स से अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ओके स्ट्रेट फ्रिंजेस हो सकते हैं, या फिर फ्रिंजेस आपके जो है वो कर्ल टाइप ऑफ फ्रिंजेस भी हो सकते हैं लाइक दिस। सो इस तरह से कर्ल फ्रिंजेस अगर है वो भी हो सकता है, या फिर दूसरे साइड में कर्ल फ्रिंजेस ऐसे भी आपको वहां पे दिख सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ दीज फ्रिंजेस we can decide whether that particular specimen's surface OA is flat or not. If let's say if we get curved fringes like as shown in the figure B, curved fringes अगर आपको इस तरह से मिलते हैं तो इसका ये meaning है कि आपका जो surface specimen का है वो flat नहीं है बल्कि वो concave surface है इस तरह से। अगर आपको इस तरह से curved fringes मिलते हैं लाइक दिस राइट हैंड साइड की तरफ ये कर्व हो चुका है, इसका मतलब आपका जो स्पेसिमेन है वो फ्लैट नहीं है, वो कॉन्वेक्स है, थोड़ा बल्जी है यहाँ पे। इफ दिस इज द सिचुएशन देन यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर स्पेसिमेन आउट, यू हैव टू पॉलिश द टॉप सरफेस हियर यूजिंग सर्टन टेक्निक फॉर सम टाइम, एंड अगेन यू हैव टू चेक इट्स फ्लैटनेस यूजिंग दैट इंटरफेरेंस कंसेप्ट। You have to repeat this process until and unless you get a straight and equidistant fringes like this. यहाँ पे भी actually ये जो fringes दिख रहा है आपको ये straight तो है लेकिन actually equidistant नहीं है, so I should show here equidistant here like this using let's say black color. Okay. So you should get the equidistant and straight fringes here. My figure is not accurate, but understand here. आपको अगर इक्विडिस्टेंट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क ऐसे फ्रिंजेस आपको यहां पे मिलते हैं, देन इट मींस दैट द टॉप सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन दैट इज ओए इज नाउ ऑप्टिकली फ्लैट एंड यू कैन यूज इट फॉर द पर्पस दैट यू हैव डिसाइडेड। ऑलराइट, ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट in this application? Dear students, please ask the questions that are in your mind. Have you understood this? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Shall we
shall we consider the next one? Yes. Okay. Next is anti-reflection coating. So now, मैंने शुरू में आपको कुछ सवाल पूछे थे, जैसे कि आपका जो कैमरा लेंस होता है वो पर्पल क्यों दिखता है, तो उसका जवाब आपको इसमें मिलेगा. Not just that camera lenses, but there are so many instruments like your spectacles. बहुत सारे लोगों के पास स्पेक्टेकल होगा और वो जो स्पेक्टेकल है, कुछ लोगों का स्पेक्टेकल जो है ना वो ऐसा ग्रीन जैसा दिखता है, ग्रीन शेड वहां पे दिखाई देता है. सो हम देखेंगे, एनीबडी इज हैविंग सच अ स्पेक्टेकल जिसका ग्रीन ऐसा आपको वहां पे ग्लेयर दिखता है. एनीबडी इज हैविंग सच अ स्पेक्टेकल राइट नाउ, रेज योर हैंड. अभी 60 में से तो 5-10 ऐसे स्टूडेंट होते ही है जिनके पास स्पेक्टेकल होते हैं और उसके ऊपर ग्रीन कलर होता है, ग्रीन शेड होता है. आई वॉन्ट यू, सम ऑफ यू शो दिस बाय स्विचिंग ऑन द वीडियो टू आवर स्टूडेंट्स. समबडी डू दिस. आपको सिर्फ स्पेक्टेकल दिखाना है, निकाल के दिखाना है आपको कि कैसा ग्रीन दिख रहा है वो. एनीबडी, मेरे पास नहीं है वो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता हूँ, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस आई नो. ओके, हाँ थोड़ा सा ऐसा एंगल चेंज करो, एंगल चलो. ओके ओके, रुको हाँ रुको, वैसे रखो. ओके, बाकी स्टूडेंट देखो वहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रीन शेड दिख रहा है? यस सर. वेरी गुड सर, वेरी गुड. एनीबडी एल्स, और किसी के पास है? अरे दिखाओ अपने आप कुछ, ये है स्पेक्टेकल है तो दिखाओ. ओके, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए ना सेशन. शर्माने की कोई बात नहीं, मुझे पता है 4-10 लोगों के पास है वो अभी भी है. अरे दिखाओ, स्पेक्टेकल दिखाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? स्पेक्टेकल मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लोग पहनते हैं स्पेक्टेकल. स्वरूप दिखा रहा है. सी, ज्यादा ब्राइटनेस भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट, हल्का लाइट उसके ऊपर गिरना चाहिए. नहीं, आई एम नॉट एबल टू सी द ग्रीन शेड. स्वरूप तुमको दिख रहा है ग्रीन शेड दिख रहा है उसके ऊपर? यस सर. ये पहला अच्छा दिखा था, वो सौरभ का अच्छा दिखा था. ऑलराइट, यू कैन चेक इट. आपने जो फ्रेंड्स है या फिर कोई अपने नेबर रिलेटिव्स है तो उनका जब भी आप स्पेक्टेकल देखो, ये तो वहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा ग्रीनिश आता है शेड वहाँ पे. ओके, तो क्यों आता है? लेट्स सी हियर. तो उसकी जो वजह होती है वो एक कोटिंग होती है और जिसको बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग. और वो जो पर्पल होता है उसी तरह से जो आपके लेंसेज होते हैं, लेंसेज इन द सेंस कैमरा लेंसेज, तो उसके ऊपर पर्पल आपको ग्लेयर वहां पे दिखाई देगा. कौन सा भी कैमरा लेंस ले लो वहां पे उसको आपको ये पर्पल ग्लेयर वहां पे दिखाई देगा. अभी वो कौन से कैमरा है, कौन सा आपका इवन मोबाइल का जो कैमरा है वो भी आप भी चेक करो, अभी चेक करो. जो सबसे बड़ा कैमरा है वहां पे देखो कि आपका जो लेंस है उसके ऊपर आपको एक पर्पल कलर का एक ग्लेयर दिखाई देगा. कभी पर्पल दिखाई देगा, कभी ग्रीन दिखाई देगा, कुछ भी दिख सकता है. ठीक है, सो वो जो क्यों दिखता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग. वो क्या होता है, लेट अस सी हियर. तो सपोज ये आपका लेंस का सरफेस, लेंस का मटेरियल है या फिर ग्लास है आपका, उसके ऊपर ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग दिया जाता है यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स, वेपराइजेशन टेक्निक वहां पे यूज किया जाता है.
और उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है मोस्टली मैग्नीशियम फ्लोराइड या फिर कैल्शियम फ्लोराइड यूज किया जाता है। और ऊपर है एयर, जो बाहर की एयर है वो। अभी यहाँ पे मैग्नीशियम फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि पहली तो बात यह है कि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है, दूसरी बात यह है कि दे आर सेटिस्फाइंग हियर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ दिस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग एंड दैट कंडीशन इज म्यू ए इज लेस देन म्यू सी इज लेस देन म्यू जी। कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स? अरे somebody quickly, हमारे पास समय नहीं है। Somebody tell me what is this? Refractive index of air is less than refractive index of coating is less than refractive index of glass. Very good, very good, excellent. What is your name? Saurabh. Okay, again Saurabh. Only Saurabh. बाकी लोग सो गए हैं। Okay, very good Saurabh. So रिफ्रैक्टिव यहाँ पे कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग टू वर्क इज, यहाँ पे याद रखना है आपको, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपको। क्या कंडीशन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोटिंग शुड बी इन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड ग्लास। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे आपको मेंटेन करनी होती है। ओके, याद रखो इसको। देन सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द थिकनेस ऑफ दिस कोटिंग शुड बी इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 म्यू सी, लैम्बडा बाय 4 म्यू सी। ओके, ये सेकंड कंडीशन, थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा कम है तो नहीं चलेगा। अभी इतनी क्यों होनी चाहिए वो भी आपको पता चलेगा। सो क्या होता है, ऊपर से सपोज एक रे आ रहा है के एल करके, जिसकी वेवलेंथ है लैम्बडा। नाउ यहां पे ये जब रे गिरेगा एट दिस पॉइंट, now this at this particular point you will find that this is a denser medium and this is a rarer medium and therefore light will get reflected here partly and refracted here like this. Again there is a reflection from this particular interface of the two media like this. So again this is a rarer medium in comparison to this denser medium. Okay, density जो है material की change नहीं हो रही है, coating की density change होने हो रही है, but in comparison to the other material उसकी जो density है वो अलग है। पहले surface में यहाँ पे ये denser था coating compared to the air, लेकिन दूसरे यहाँ पे reflection में क्या हो रहा है, it is now rarer compared to the glass. Okay, now यहां दोनों जो जो सरफेसेस होते हैं यहां पे, दोनों जो पॉइंट्स होते हैं दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, हियर व्हेन द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड सो स्टोक्स लॉ विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ द केसेस। इन आवर अर्लियर केस, हमने जो शुरू में केस देखी थी वहां पे क्या हुआ करता था, ओनली द टॉप सरफेस और टॉप पॉइंट वॉज हैविंग द स्टोक्स लॉ, ओनली दिस पॉइंट वॉज हैविंग स्टोक्स लॉ। At this point, there was no Stokes' law here, if you remember this. But in this case, the in second reflection also, for the second ray also, there is an application of the Stokes' law. यानी कि दो बार यहाँ पे Stokes' law applicable होता है, इसलिए यहाँ पे जो path difference होता है दो rays के बीच का is equal to twice mu t cos r. अभी plus और minus lambda by 2 आएगा क्या यहाँ पे? ये जो फैक्टर है प्लस और माइनस लैम्बडा बाय 2 हमने कंसीडर किया था पहले वाले केस में, लेकिन इस केस में ये फैक्टर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे दो बार आपको अप्लाई करना पड़ता है स्टोक्स लॉ। दो बार जब अप्लाई करोगे प्लस और माइनस, तो ऑटोमेटिकली वो जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी लैम्बडा बाय 2 और यहाँ पे भी लैम्बडा बाय 2 का जो फेज शिफ्ट होता है, तो उसकी वजह से जो टोटल फेज शिफ्ट होता है वो इक्वल टू एन लैम्बडा, इक्वल टू 1 लैम्बडा होता है, एंड दैट इज कॉम्पेंसेबल, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है इसके ऊपर, रेस के ऊपर। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ टू टाइम्स दिस स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल, दिस पर्टिकुलर फैक्टर गेट कैंसल्ड एंड हिंस यूर पाथ डिफरेंस इज ट्वाइस म्यू टी कॉस आर। नाउ वी कैन राइट हियर, पाथ डिफरेंस इज ट्वाइस म्यू टी कॉस आर।
path difference is equal to c twice mu c t. अभी ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे नीचे नीचे देखो. ओके फर्स्ट थिंग इज दैट हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग. यहाँ पे जो कॉर्नर में इक्वेशन लिखा है हैव यू अंडरस्टूड दैट. यस सर. ओके नीचे नीचे देखो. अभी नीचे हम फिर से लिखेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू सी टी. अभी ऐसा क्यों लिखा है मैं बताता हूं. म्यू की जगह हमने म्यू सी लिखा क्योंकि फिल्म की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोटिंग की वो है म्यू सी. और यहाँ पे कॉस आर की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ गई है. 1 इसलिए आ गई है क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है नॉर्मल इंसिडेंस. अगर नॉर्मल इंसिडेंस आप करते हो नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइट आ रही है. सो परपेंडिकुलर अगर लाइट यहाँ पे गिर रही है मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज equal to 0 and angle of refraction will also be equal to 0 and cos 0 is equal to 1. So considering normal incidence agar hum consider karte hain to hamara cos r jo hota hai uski value aati hai 1. So isliye ye jo path difference hamara ban jata hai twice mu c into t equal to t. Abhi t ki value hame kya kitne leni hai lambda aapke samne hai lambda by 4 mu c. If you put this value here so what you will get like this mu c will get cancelled. यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4. okay 4 divided by 2 will remain 2. यानी कि ultimately क्या रहेगा यहाँ पे lambda by 2. यानी कि path difference between the ray 1 and ray 2 will be equal to lambda by 2 which is the condition for destructive interference. तो यहाँ पे दो रे जो रिफ्लेक्ट होते हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्बडा बाय 2 है. और अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है देन दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यानी कि ऊपर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और अगर ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसमिटेड रेज है उनके बीच यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. यह हमने ऑलरेडी देखा है. हमने देखा है कंडीशंस फॉर ब्राइटनेस एंड डार्कनेस इन थिन यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म्स आर एग्जैक्टली अपोजिट. अगर आपको याद है ओके मैंने उसके लिए स्पेशल टाइम भी दिया था वहां पे कि जो रेज रिफ्लेक्ट होते हैं और जो ट्रांसमिट होते हैं दोनों के बीच के जो इक्वेशंस हमने कंपेयर किए तो वहां पे हमें पता चला कि दोनों के जो कंडीशन है ब्राइटनेस और डार्कनेस के वो एग्जैक्टली अपोजिट है. एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन से यानी कि क्या अगर कोई वेवलेंथ का यहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वही वेवलेंथ का नीचे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. यानी कि अगर व्हाइट लाइट गिरती है और आपको ऊपर ग्रीन लाइन दिख रही ग्रीन लाइट दिख रही है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली वो जो ग्रीन लाइट है वो नीचे ट्रांसमिशन में एबसेंट रहेगी. नीचे क्या होगी ट्रांसमिशन में एबसेंट रहेगी. सपोज ऊपर से व्हाइट लाइट गिर रही है और रिफ्लेक्शन में आपको ब्लू कलर नहीं दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर जो है वो नीचे दिखता है. यानी कि जो ऊपर प्रेजेंट रहेगा वो नीचे एब्सेंट रहेगा. जो नीचे प्रेजेंट रहेगा वो ऊपर एब्सेंट रहेगा. ओके रिफ्लेक्टर ट्रांसमिटर सिस्टम में मीन्स बोथ द थिंग्स आर कॉम्पेंसेटरी टू ईच अदर. सो इसीलिए यहाँ पे अगर ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ऑटोमेटिकली जो रेज ट्रांसमिट होते हैं उनका यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. And hence, as the name indicate, यहाँ पे क्या हो रहा है reflections are reduced and transmission is increased. So in this way, this anti-reflection coating work. So As the name indicate, anti-reflection, यानी कि reflection को oppose करना, reflection को कम करना, that is called as a anti-reflection coating. तो यहाँ पे transmission बढ़ जाता है. अभी इसका function ये तो हो गया scientific उसका reason, लेकिन इसका वो क्यों लगाते हैं? तो वो किसलिए लगाते हैं? क्योंकि अगर वो spectacle, जो भी valuable आपके पास materials है, glass है, spectacle है, lenses है, तो उसके ऊपर ये लगाते हैं, क्योंकि कम light में, अगर light कम भी है, तो भी
ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो अंदर आ सके. इवन इन लो लाइट ऑल्सो यू कैन सी द इमेजेस वेरी क्लियरली. दैट इज द पर्पज ऑफ दिस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग. All right, so this is the end of this chapter. If you are having any question, any doubt regarding this regarding the whole chapter, you can ask it here right now. Nobody is having question? No, sir. इतना आसान है? So, February में जो exam होने वाली है, उसमें कौन से chapters आने वाले? एक बार वापस बताओगे? February में मतलब जो university के exam बोल रहे हो, in same examination? हाँ हाँ सर वही. उसमें पहले दो unit आने वाले हैं. ठीक है सर, thank you. और वो पहले दोनों unit का जो है material मैंने already upload किया है Teams के ऊपर. ओके सर. और वो एग्जामिनेशन आपकी ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड रहेगी. एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन वी कैन नाउ टेक द प्रैक्टिकल. वी कैन टेक द प्रॉब्लम्स नाउ. Okay, so problem is in front of you. All of you read the problem carefully and try to solve it. Formula already मैंने बता दिया है आपको in the previous lecture. All of you just read the numerical or write it down in your notebook. Notebook mein likho, problem ko likho and solve it. I will give you 5 minutes for all this writing of the problem and solving. I will give you 5 minutes. यहाँ पे मैं hint देता हूँ आपको एक. See. वो जो फॉर्मूला है, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट फॉर्मूला शुड वी यूज? एनीबडी? कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है? किसी को याद नहीं फॉर्मूला? सौरभ? सौरभ? यस सर. फॉर्मूला याद नहीं है सर? 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल एन लैम्डा. नहीं, वो तो इसका है, यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म का है. द प्रॉब्लम इज अबाउट वेज शेप फिल्म, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म. फ्रिंज विड्थ का जो कंसेप्ट हमने देखा था, तो फ्रिंज विड्थ के कंसेप्ट में मैंने आपको ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताया था सर. लैम्डा अपॉन 2 थीटा. यस, थोड़ा सा करेक्शन मैं करता हूं उसमें. बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 थीटा. लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा. यस सर. यस सर. 2 म्यू थीटा. 2 म्यू थीटा. ओके, ऑल ऑफ यू राइट डाउन द फॉर्मूला. बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा. ये फॉर्मूला आपको फ्रिंज विड्थ का यूज करना है इस केस में. वेरी सिंपल. और लेकिन यहां पे याद रखो, ये जो थीटा होता है, दिस थीटा इज इन रेडियंस. दिस थीटा इज इन रेडियंस. आपको दिया है सेकंड्स में, तो सेकंड में जो आपको थीटा दिया है उसका आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा पहले डिग्री में, उसके बाद सॉरी सेकंड्स का आपको पहले मिनट में, फिर मिनट का डिग्री में,
और डिग्री का फिर रेडियन में आपको कन्वर्ट करना होगा वो एंगल, एंड देन यू हैव टू पुट दैट वैल्यू ऑफ दैट एंगल इन रेडियंस इन द फॉर्मूला, एंड देन यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ. All of you do this. I hope everybody is doing at home in your notebook. I am giving time for this. Yes, sir. Everybody should do this. Don't be lazy. This is a part of learning process. The 4,654 astronaut. Very good. Very good. Armstrong. What is your unit? Armstrong, sir. Armstrong. Very good. वेरी गुड. करेक्ट. ये जो आंसर है कितने लोगों का आ गया, हाथ ऊपर करो. 4,654 एंगस्ट्रॉम. रेज योर हैंड. 10 स्टूडेंट्स गॉट दिस आंसर. Okay, almost 14 students have got this answer. Remaining students, what is the problem? It is not much difficult. मैं सब कुछ मैंने आपको explain किया था कैसे solve करना है यहाँ पे. So see, the question. पहले अगर question समझ पहले जो है question आपको अच्छी तरह से समझना है. Okay? अगर if you are not understood the question, re-read it. फिर से पढ़ो उसको. दो तीन बार पढ़ो. क्या दिया है वो लिखो पहले. Okay? A wedge-shaped air film, okay, a wedge-shaped air film having an angle of 40 seconds, so this angle theta is equal to 40 seconds, is illuminated by monochromatic light and fringes are observed vertically through a microscope. The distance measured between the consecutive bright fringes is 0.12 centimeter. Calculate the wavelength of the light used, okay. So first write the given thing so that everything will be clear in your mind. So given thing, what is given here? Theta is equal to 40 seconds. Theta is equal to 40 seconds. Then the distance measured between consecutive bright fringes is 0.12. Yani ki beta, fringe width beta is equal to 0.12 centimeters. Itna hi yahan pe aapko information diya hai. Okay? So iska solution kaise aayega? कैलकुलेट द वेवलेंथ. सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टू म्यू थीटा. ओके, टू म्यू थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है लैम्बडा. देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू टू म्यू थीटा इंटू बीटा. ओके, इज इक्वल टू, अभी यहां पे टू म्यू, सॉरी अभी यहां पे म्यू कितना दिया है, एयर फिल्म है. ओके, एयर फिल्म है हमारी. तो यहां पे आपका जो म्यू आता है वो कितना आएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. सो टेकिंग म्यू इज इक्वल टू 1, वी कैन राइट हियर 2 थीटा एंड बीटा. सो वी शुड राइट हियर थीटा एंड बीटा, बट थीटा इज इन रेडियंस बट आवर्स इज इन सेकंड्स. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस थीटा इनटू रेडियंस फर्स्ट. सो हाउ टू डू दिस, सो फॉर दैट यू शुड नो द फॉर्मूला. 1 radian is equal to 180 by pi degrees. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. एंड सेकेंडली डिग्री, अभी यहां पे सेकंड का डिग्री में कन्वर्ट करना होगा. One degree is equal to
60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स इज इक्वल टू, ओके विल राइट हियर मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. तो इस तरह से कन्वर्जन होता है. 1 मिनट, ओके मीटर नहीं है ये मिनट है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 by pi degrees, and therefore we can write here angle theta is equal to 46.